A very, very important question for CBSE board exam, and this is from NCERT textbook only from the chapter Alcohol, Phenol and Ether. They're asking, give two reactions that show the acidic nature of phenol, and we have to compare the acidity of phenol with that of ethanol. Actually, ये question ना बहुत अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है, सबका आंसर सेम है. जैसे एक बार ये आएगा कि why phenol is more acidic than ethanol, Why phenol is more acidic than alcohol, ऐसे भी आता है. बहुत बार हर साल आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है इन सम और अनदर वे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फिनॉल एसिडिक होता है, ठीक है. अब अगर एक फिनॉल है उसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराओगे ना किसी मेटल के साथ, तो जस्ट लाइक एनी अदर एसिड फिनॉल विल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है. एसिड्स रिएक्ट विथ सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स दैट फिनॉल इज एसिडिक. इसके अलावा अगर फिनॉल एसिड है देन इट मस्ट रिएक्ट विद अ बेस. सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH इट फॉर्म्स अ सॉल्ट प्लस वॉटर. सो एनीथिंग विच इज रिएक्टिंग विद अ बेस मस्ट बी एन एसिड. सो ये दो वो रिएक्शन है, द टू रिएक्शन विच शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. अब बात हो रहा है कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद इथेनॉल. तो देखो एक स्टेटमेंट लिखना, सीधी सी बात, सीधी सी बात, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल या इट इज मोर एसिडिक देन एनी अदर एल्कोहल. Now, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या रीजन है, वैसे इस क्वेश्चन में इतना चाहता नहीं है बट स्टिल. तो देखो बात यह है कि जो फिनॉल है ना, अगर किसी को एसिड की तरह बिहेव करना है तो उसको प्रोटॉन डोनेट करना पड़ेगा, और फिनॉल आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन, ठीक है. एंड दिस फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और इट हैज रेजोनेंस सो इट इज स्टेबल. और अगर ये स्टेबल है तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा. लेकिन अगर मैं इथेनॉल की बात करूं ना, इथेनॉल प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इथॉक्साइड आयन बनाता है, और क्योंकि ये इथॉक्साइड आयन में देर इज नो रेजोनेंस एंड बिकॉज देर इज नो रेजोनेंस सो इट इज नॉट स्टेबल. एंड बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल दिस इज लेस एसिडिक, ठीक है भाई. एसिडिक वो होता है जो उसका प्रोडक्ट आफ्टर रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन जो एन आयन बनेगा, इफ इट इज स्टेबल देन इट विल बी मोर एसिडिक, इफ इट इज नॉट स्टेबल देन इट विल बी लेस एसिडिक. तो दो क्वेश्चंस ये रही आपकी रिएक्शंस, कंपैरिजन ये रहा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, रीजन ये रहा. आई होप ये क्लियर है. इफ नहीं यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन.